जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो मैंने अपलोड करी थी कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ था, आखिरी समय का जो बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो काफ़ी कह रहे कि ये वीडियो फेक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह वीडियो फेक नहीं है, आपकी एकदम ओरिजिनल वीडियो है। यह वीडियो आपकी न्यूज़ चैनल वालों ने भी पब्लिश की हुई है अपने चैनल पर, या आप अपना लाइव देख सकते हो। ANI ने अपने ट्विटर पर खुद अपलोड करके वो बताया हुआ है कि लास्ट आपका कैसे हुआ था। और इस वीडियो के बारे में कहना चाहता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो ओरिजिनल वाली नहीं है, यह दूसरी वीडियो है जिसमें हेलीकॉप्टर किस प्रकार से क्रैश होता है, बाय चांस ऊपर से कोई क्रैश होकर आता है, तो उसके बारे में ये वीडियो बताई गई थी। दोस्तों ये वाली वीडियो बिपिन रावत से रिलेटेड नहीं थी, तो काफ़ी भाई कह रहे थे कि ये वाली फेक वीडियो है बिपिन रावत, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ था कि यह बिपिन रावत की वीडियो नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते थे। और आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो बिपिन रावत सर के हेलीकॉप्टर में सिर्फ अकेले एक बचे थे वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे। तो आइए जानते हैं कौन है वरुण सिंह। वरुण सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के खोरमा कनहोली गाँव के रहने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे हैं। बता दें कि तमिलनाडु के कन्नूर में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पायलट ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे। दोस्तों वरुण कैप्टन सिर्फ अभी थोड़े उनकी हालत में सुधार है, और बता दें कि इन्हें शौर्य चक्र से भी ये सम्मानित हुए हैं। ये इन्हें 2020 में हवाई इमरजेंसी के दौरान अपने LAC तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों आप ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करें कि हमारे जो ग्रुप कैप्टन है, जो सिर्फ अकेले बचे हुए हैं उस हादसे में, कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।